वहाँ लाल किला और जामा मस्जिद बनने से पहले एक जगह बनी थी, जो आज की डेट में जामा मस्जिद और लाल किले से ज़्यादा मशहूर है। एनी गेस? वहाँ लोग खाना खाने जाते हैं। चांदनी चौक? नहीं, मटिया महल। जो वो गली है मटिया महल, जब ये शाहजहानाबाद बन रहा था लाल किला, तो उसको जो बनाने वाले लोग थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनको अपने लिए कच्चा मकान बनाना, उस जमाने में एक छोटा मकान बनाना एक मतलब हवेली की तरह, जैसे फैजाबाद जो है उसका पुराना नाम बंगला है, लखनऊ के पास फैजाबाद है, वहाँ नवाब सादत अली खान जब एक सूबेदार की हैसियत से गए, तो उन्होंने वहाँ अपने लिए महल ना बना के एक कच्ची दीवारों का एक बंगला तैयार किया था, और आखिर जमाने तक जो है जो पुराने लोग थे उसे बंगला कहते थे, फिर उसका नाम फैजाबाद पड़ गया। उसी तरीके से ये जो जगह है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, मकबरा बनके तैयार हुआ है बाद में, इसमें लगे हैं तकरीबन 1671 में जाके जो है ये बनकर तैयार हुआ है, जिसमें तकरीबन 1500,000 का खर्च आया है, पर उस मकबरे से पहले बनकर एक सराय तैयार हुई, सराय इट्स लाइक अ मोटेल, जैसे आज के ज़माने में हमारे पास हॉस्टल। तो ये वो जगह है, और जहाँ तक आप नज़र डालें वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं देते हैं वो लोग, वरना वहाँ से हम निकलें तो निज़ामुद्दीन ईस्ट की तरफ का एक दरवाज़ा नज़र आता है, और एक दरवाज़ा जहाँ से हम लोग अभी अंदर दाखिल हुए, इसे बोलते हैं अरब की सराय। तो इसमें बड़ी इतिहासकारों के बीच में बड़ा इसमें ये बड़ा एक बहस का मौजू है कि इसे किस बेगम ने बनवाया। कुछ ये कहते हैं कि बेगा बेगम, जो बादशाह हुमायूं की बड़ी बेगम थी, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है, और कुछ इतिहासकार इसमें कहते हैं कि जो बेगम हमीदा बानू, उन्होंने जो है इसको तामीर कराया, पर ज़्यादातर जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो बेगा बेगम के मिलते हैं। तो बेगा बेगम जो हैं वो हज करने गई थी, और जब लौट कर आई तो उन्हें हाजी बेगम का खिताब मिला, और वो अपने साथ 300 अरब लोग लेकर आई, जिनमें 100 जो थे वो उच्च कोटि के सैयद थे, और 100 जो हैं उसमें बड़े आलिम थे, और 100 शेख थे जो रोज़मर्रा का काम करते थे। पर ये भी कहा जाता है कि उनमें ईरानी भी थे, फारसी भी थे, जो हर तरीके के मतलब कारीगर और फनकार भी थे, वो खैर वो तकरीबन 300-400 लोग अपने साथ लेकर आई, और वो आकर जो है वो यहाँ रुके सराय में, और ये सराय जो है आप आबाद रही है 19वीं सदी तक। इसमें अंग्रेज हुकूमत के दौरान भी जो बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर थे 19वीं सदी में, वो भी आकर यहाँ रुका करते थे। एक सराय तो ये हो गई अरब सराय, और ठीक इसके सड़क के उस पार एक सराय हो गई जिसे सराय मुगलिया कहा जाता है। अब जिस चौराहे पर ये जो जगह आबाद है, जिसे आप हज़रत निज़ामुद्दीन पस्ती के नाम से जानते हैं, एक ज़माने में ये बहुत बड़ा एक कह लें कि एक रुकने की जगह कह लें, बहुत बड़ा बाजार कह लें, कि दिल्ली और आगरा को जोड़ने वाली जो सड़क है मथुरा रोड, उस पर मौजूद है। तो जो मुग़ल ज़माने में यहाँ से लोग वहाँ जाते थे और वहाँ से यहाँ आते थे, क्योंकि वो ये भी एक राजधानी रहा, वो भी एक राजधानी रहा, मुग़ल ज़माने में आगरा राजधानी रहा, पर दिल्ली ने कभी अपना वजूद नहीं खोया सियासी तौर पर, तो यहाँ लोगों का आवागमन जो है वो लगा रहता था। ऊपर से यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, तो ज़माने भर से जो है मुल्क से लोग जो है वो यहाँ ज़ियारत करने के लिए आते थे, और वो कहाँ रुकते थे, वो इन्हीं सरायों में रुकते थे। अब अगर सराय हैं तो उसके अंदर कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पूजा पाठ कर सके, ठीक है,
तो उसमें जो है आपके लिए एक मस्जिद जो है वो बनी हुई, हर सराय में आपको एक मस्जिद जो है वो उस जमाने में मिले। ये जो मकबरा है इसे अफसर वाला मकबरा के नाम से जो है ये मशहूर है। ये जो वर्ड वाला है इसमें और पीछे की तरफ कई मकबरे शामिल हैं, जैसे बड़ा बताशे वाला है, छोटे बताशे वाला है। मुझे लगता है कि जो असल में जो इनके नाम रहे होंगे वो शायद वक्त के अंधेरे में कहीं जो है वो छुप गए, और फिर उसके बाद जो है बिगड़ते बिगड़ते नाम जो है वो हमारे सामने पेश कर दिए गए। हो सकता है कि अफसर वाला कोई बड़े अफसर रहे हो मुगल ज़माने में, बादशाह अकबर के ज़माने में, तो उनको यहाँ दफनाया गया हो, और वो जाहिर सी बात है कि एक बड़े बादशाह के मकबरे में अगर किसी को जगह मिल गई है तो कोई छोटी मोटी शख्सियत तो होगा नहीं। वो कोई या तो मुग़ल ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ होगा या वो एक बड़ा सूबेदार या अफसर होगा जिसको जो है यहाँ पर जगह दी गई है। अगर यहाँ से हम लोग सीधे निकल जाएँ तो फिर वो एक दूसरा दरवाज़ा आ जाता इस सराय का, अरब सराय का, और वहीं पर जो है यहाँ ये एक ऐसा पहला मकबरा मैंने देखा है बादशाह हुमायूं का जिसके अंदर एक बावड़ी भी। टेक्निकली ये बादशाह हुमायूं के मकबरे के अहाते में नहीं आता, वो कॉम्प्लेक्स अलग है और ये एक सराय का हिस्सा है। तो सराय है तो उसमें बावड़ी भी होगी, उसके अंदर जो है मस्जिद भी होगी, इबादतगाह भी होगी। खैर बहरहाल तो आप ऐसा करते हैं कि एक ग्राउंड आप ले लें यहाँ और फिर यहाँ से निकल कर फिर अंदर चलते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं कहीं बैठा हुआ था तो जिक्र हुआ हिंदुस्तान में रस्म और रिवाज को लेकर, क्योंकि जो हमारा मुल्क है वो बहुत सारी रस्म और रिवाजों का एक पुलिंदा है। तो चाहे कहीं से भी उठाकर देख लें कोई ना कोई रस्म और कोई ना कोई रिवाज आपको पुराना कहीं जाकर मिल जाता है। आप लोगों ने एक रस्म का नाम सुना है जिसका नाम है रास हमाई। उमूमन जो है होता ये था कि जब बड़े लोग जैसे बादशाह हो गए, वो जब किसी से खुश होकर उसको घोड़ा या हाथी दिया करते थे बतौर तोहफा, तो जो जिसको दिया जाता था वो जो शख्स है वो जो लेकर आता था हाथी या घोड़ा पकड़ करके, उसके हाथ में रास थमाई मतलब एक रस्म होती थी कि वो कुछ पैसे जो है वो उसको पकड़ा देता। बादशाह अकबर के ज़माने में ये जो पैसा है रास थमाई का वो सीधा सीधा जो है बादशाह अकबर के निजी कोष में जाता था। फिर जब बादशाह अकबर का इंतकाल हो गया और जहांगीर जब बादशाह हुए, तो जहांगीर ने रास थमाई की जो ये रकम उसको सीधा जो है सरकारी कोष से जोड़ दी, और ये कहा जाता है कि रास थमाई की रस्म से इतना ज़्यादा पैसा आता कि कई बार परगनों के पैसे कम पड़ जाते थे और रास थमाई के पैसे ज़्यादा हो जाते। इसके इसका गुंबद अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे से वो टूटा हुआ है, वो लाल बलवा पत्थर का बना हुआ है ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे जो है वो टूटा हुआ। तो जब ये यहाँ ये मकबरे और ये मस्जिदें बन रही थी तो जो बनाने वाले थे वो यहीं के हिंदुस्तानी कारीगर थे। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है जो यहाँ पर जो चिन्ह पाक समझे जाते थे उन चिन्हों का इस्तेमाल उन्होंने मस्जिद और ये मकबरों में किया। जैसे अगर आप इसे देखें तो ये कलश ठीक है, उसके पीछे जो है वो सूरज बना हुआ संगमरमर का, और कलश और जो पीछे सूरज है ये उमूमन आपको भारतीय जो पुराने जो आर्किटेक्चर है उसमें नज़र आता है। और इसके ऊपर जब ये मकबरा गुंबद बनाया गया तो ये बड़ा खाली खाली लगा, तो उन्होंने क्या किया कि उस गुंबद के ऊपर उन्होंने अमलका रखी। अमलका जो है ये देवताओं का सिंहासन जो उमूमन कमल के फूल का बना होता है। उस जमाने में ये एक भारतीय चिन्ह कहे जाते थे, ये किसी खास संप्रदाय
या किसी खास मजहब के चिन्ह नहीं, ये पहले से यहाँ थे। तो जब इन्होंने ये बनाने शुरू किए तो जो बनवाने वाले थे उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ना ये हिंदू थे ना ये मुस्लिम थे। बाद में 19वीं सदी में जाकर अंग्रेजों ने ये हम लोगों को बताया कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, और वहीं से जो है जो आर्किटेक्चर वाला जो भेदभाव है वो वजूद में जो है वो आना शुरू हुआ। वरना अगर इसको हम कहें कि ये इस्लामिक शैली में बना हुआ है या ये इस्लामिक आर्किटेक्चर भी, तो जिस तरीके से क्रिश्चियन आर्किटेक्चर नहीं होता या हिंदू आर्किटेक्चर नहीं होता, उसी तरीके से इस्लामिक आर्किटेक्चर इज्जतमय वो भी नहीं होता। जो आर्किटेक्चर है वो आपका जो वास्तुकला है वो वहाँ के रहने वालों से उत्पन्न होती है, वहाँ के रहने वालों से पैदा होती है, ये किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। अब वहाँ पे किस तरह के लोग रह रहे हैं, उनका खान पान कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ कितनी बारिश होती है, बर्फ होती है या गर्मी होती है, उस हिसाब से वहाँ की जो वास्तुकला है वो डेवलप होती है, वो वजूद में। ठीक आई, जैसे नीचे जो है इसमें ये जो है कलश जो है वो लगे हुए हैं, तो ये मूमन आपको पूरे मतलब 13वीं-14वीं सदी के बाद से आपको 19th सेंचुरी के मूमन सारे स्ट्रक्चर्स में जो है